नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वीटो लोशन से सफेद दाग से मिलेगा छुटकारा, स्किन की सभी बीमारियों से दिलाएगा निजात। वीटो लोशन अब आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आजमगढ़ जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। रौनाबार थाना क्षेत्र के कांकभार बाजार में शराब की दुकान हटाने के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। एक की हालत गंभीर है और आक्रोशित ग्रामीणों ने आजमगढ़ गोरखपुर सड़क मार्ग को जाम कर दिया है। आपको बता दें कि अक्सर शराब की दुकानों को लेकर मारपीट होते रहती है। ज्यादातर दुकानें बस्ती के करीब होने की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस मारपीट में आपको बताते चले कि इस मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड को जाम कर दिया है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां पर शराब की दुकान को लेकर मारपीट हुई है और आक्रोशित ग्रामीणों ने आजमगढ़ गोरखपुर सड़क मार्ग को जाम कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज पर। एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां पर शराब की दुकान को लेकर के मारपीट हुई है। इस मारपीट में जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। मौके पे मौजूद हमारे संवाददाता अंकित सिंह, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की स्थिति है वहां की। जी अंकित, बताएं कैसे ये मारपीट कैसे शुरू हुई, क्या है पूरा मामला? आपको बता दें कि पूरा मामला शराब, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये दुकान थी पास में ही, क्योंकि ग्रामीण से कई बार विरोध किए थे क्योंकि शराबी वहाँ शराब पी के उत्पाद मचाते हैं, जिसकी शिकायत कई बार उन्होंने आला अधिकारियों के पास की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इसी को लेकर ग्रामीण जब सुबह गए हैं तो शराब दुकानदार और ग्रामीणों में जमकर मारपीट हुई है, जिसको लेकर एक हालत गंभीर भी बताई जा रही है। मौके पे ग्रामीणों ने आजमगढ़ गोरखपुर हाईवे भी जाम कर दिया था और पुलिस मौके पर पहुंचकर सारा जाम खुलवाई है और ग्रामीणों को समझा बुझा भेजी है वहाँ पे। जी अभी की क्या स्थिति है अंकित वहाँ की? अभी आप बता दें कि अभी पूरा मामला सामान्य है वहाँ पे, सभी स्थिति बराबर है। आगे की लगातार अपडेट देते रहेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से, तब तक बने रहिए सीआईबी इंडिया न्यूज के साथ। सगड़ी से सीआईबी इंडिया न्यूज के लिए वरुण सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट अंकित सिंह।